मुझे गलत एलिगेशन में जानबूझ करके फंसा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी का विधायक होना क्या गलत बात है? लोगों ने हमको चुनकर भेजा, एतमाद के साथ भेजा, हमको इसलिए तो नहीं भेजा कि हम महिलाओं की जो है इज्जत के साथ खेले, महिलाओं के साथ बेइज्जती करें, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें। लोगों ने हमको चुनकर भेजा। आज हालात ये आ गए, पुलिस का ये रवैया बन गया कि अगर आम आदमी पार्टी की एमएलए के साथ कोई भी महिला किसी भी एलिगेशन के साथ अगर एफआईआर दर्ज करती है तो फौरन एफआईआर दर्ज होती है। वो कुछ भी कहे, वो ये कहे कि मेरे साथ रेप किया, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, मेरे साथ बदसलूकी की, पुलिस ये कोशिश नहीं करती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी या उनका कोई मंत्री, कोई बीजेपी का मंत्री या कांग्रेस का एमएलए या एमपी के साथ अगर कोई महिला ये एलिगेशन लगाती है तो क्या एफआईआर दर्ज होती है? अगर हम कहते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो तो वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट नहीं है, ये तो कानून कहता है, कानून की किताब कहती है। हाँ, हम भी मानते हैं कानून कहता है। क्या हमारे लिए कहता है? बीजेपी के वालों के लिए नहीं कहता, कांग्रेस वालों के लिए नहीं कहता। इस कानून में दोहरा मापदंड क्यों है? इस कानून में दोहरी बात क्यों है? अगर आम आदमी पार्टी का एमएलए, आम आदमी पार्टी का वक्त का चेयरमैन, आम आदमी पार्टी पीएसी का मेंबर पर अगर कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है तो पुलिस फौरन उस पर एफआईआर दर्ज करती है, 164 का मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेजती है। इसी महिला ने एक ये चिट्ठी लिख करके दी थी अब से 4 साल पहले कि मेरा राहिल यानी कि इकबाल जो मेरा साला है, उसकी बहन, उसके बहनोई सास ससुर से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी लिखा उसने अपने हाथ से, फिर बाद में लिखा उसने, इसके बाद मेरा मौत जिंदगी से इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज से अपना जेवर लेकर इन लोगों से वास्ता ख़त्म करती हूँ और राहिल मिले मुझे कोई एतमाद नहीं है। अगर इकबाल अपने घर वालों से मिले मुझे कोई एतमाद, 4 साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई, मैं इसके घर नहीं गया, इसने खुद लिख करके दिया, खुद इसका साइन है। आज वो उसने कंप्लेन की कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इस वजह से मेरे साथ ये ज्यादती आज हो रही है कि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ। मैं आज अपने साथ ये जो मैं एमएलए हूँ, तमाम मैंने एक चिट्ठी लिखी अरविंद जी को कि भाई मैं सारे पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि आज अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, पीएससी का मेंबर हूँ। तो एक आम कार्यकर्ता, एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से इन लोगों से लड़ूंगा, भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा। हम लोग तो भ्रष्टाचारियों से लड़ने आए थे। आज ये पुलिस का गलत इस्तेमाल, महिलाओं के नाम पर गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं, उससे हम आहत हैं, उससे हम दुखी हैं। आम आदमी पार्टी के सारे पदों से आज हम इस्तीफा दे रहे हैं।